अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफ़त परवीन। ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैंने चिकन मंगाया तो सोचा कि चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं चिकन करी और पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 1.25 केजी चिकन, 1 केजी चावल, ये तेल है रिफाइंड सरसों तेल और घी, 1 कप मटर, 1 गाजर जिसको काट दिए हैं, 4 हरी मिर्च, 3 टमाटर, अदरक जिसे मैंने कूट दिया है, 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 कप दूध, नमक स्वाद के लिए, 10 पीस प्याज, मसाले और केसर के धागे, फूड कलर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश और केवरा वाटर। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी, नमक और लहसुन डाल करके मिला देंगे और आधा घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे। आज मैं चिकन में दही नहीं डालूंगी, बगैर दही के बनाऊंगी। थोड़ा सा लहसुन डालेंगे इसमें, नमक डालेंगे और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल के इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब जब भी चिकन धोए तो धोने के बाद लास्ट में क्या करें कि एक ढक्कन सिरका, सफ़ेद सिरका या कोई भी सिरका डाल के और उसको अच्छी तरह से धो लें चिकन में डाल के। इससे क्या होगा कि इसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम साइड में करते हैं आधा घंटा के लिए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, इस बीच में हम क्या करेंगे कि प्याज काट करके पुलाव बनाएंगे। फिलहाल देखिए मैंने काट लिया है इसके, ये पुलाव के लिए है, बिरयानी करेंगे। अब हम तेल रिफाइंड डालते हैं इसमें, रिफाइंड 3 टेबल स्पून है। दोस्तों जब भी आप पुलाव बनाएं तो फ्राई करें प्याज जब भी, तो रिफाइंड में ही करें। घी में करने से क्या होता है कि उसकी सारी खुशबू ख़त्म हो जाती है। लास्ट में जब पुलाव तैयार होने लगे तब आप उसमें घी डालें, इससे खुशबू अच्छी रहेगी, घी की खुशबू रहेगी। घी तो हमेशा जो है तैयार ही रहता है, उसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्याज के साथ पकाएंगे तो क्या होगा, वो जल जाएगा। प्याज फ्राई कर रहे हैं दोस्तों, देखिए चावल भी धो लिए हैं और पानी में छोड़ दिए, थोड़ी देर सोख होगा है। इस बीच में हम प्याज, चिकन के लिए जो प्याज है उसको भी हम काट लेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, अब इसको हम प्याज को निकाल देते हैं बर्तन में। अब तेल में गरम मसाला डाल देंगे, काली इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 3-4 हरी इलायची है और 4 लौंग है। इसमें ही डाल के हम गाजर और मटर दोनों को फ्राई करेंगे। गाजर मटर को फ्राई करने के बाद क्या होता है तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि उबला उबला जैसा लगेगा खाने में, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तेल के साथ ही थोड़ा सा इसको फ्राई कर दें। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सॉटे करना है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, मान ली 1 केजी चावल है तो उसका डबल पानी डालेंगे, यानी 2 लीटर पानी डालेंगे। चावल अगर आप सॉफ्ट किए हुए हैं तो फिर आप 2 लीटर से थोड़ा सा कम डालिए, अगर तुरंत धो करके बना रहे हैं तो फिर आप पूरा पानी डालिए 2 लीटर, 1 केजी चावल में 2 लीटर पानी।
नमक डालेंगे। नमक का टेस्ट पता कैसे चले कि नमक सही है कि कम? तो सूप जैसा टेस्ट होना चाहिए नमक का, उसका टेस्ट तो समझ जाइए कि पानी में नमक सही है। और देखिए पानी बॉयल हो रहा है, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम चला के ढक देंगे, ढक के इसको पकने देंगे। दूध गर्म है, इसमें केसर के धागे डाल देते हैं ताकि इससे कलर आए। इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कलर छोड़ेगा केसर। पुलाव तैयार हो रहा है, इधर अब हम चिकन तैयार करते हैं। चिकन को भी रखे हुए आधा घंटा हो गया है। सरसों तेल डाले हैं 3 टेबल स्पून, तेल गरम हो गया है। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे, उसके बाद चिकन मसाला वगैरह डालेंगे। चेक हुआ, देखिए प्याज चिकन के लिए तला रहा है। अब हम पुलाव में जब थोड़ा थोड़ा पानी रहे उसी बीच में अब घी डाल दीजिए, तो क्या होगा पूरे में अच्छी तरह से मिल जाएगा और खुशबू भी रहेगी घी की। इसीलिए पहले हम घी कभी भी नहीं डालते पुलाव में, आखिर में डालते हैं। अब इसको हम मिला लेंगे। गैस बिल्कुल कम कर दिए, लो टू मीडियम रखे हैं ताकि धीरे धीरे ये गलेगा। तेज़ कर देंगे तो क्या होगा नीचे से सट जाएगा, जल जाएगा पुलाव। अब इसको ढक के छोड़ देते हैं। देखिए प्याज हो गया है थोड़ा सा लाल, इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, इतना ही रहेगा। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, 1 चम्मच लहसुन है। अदरक है 1 इंच टुकड़ा अदरक का, इसको हमने कूट दिया है। मिला लेंगे इसको। अब सारे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच तीखा लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और गरम मसाले, सबको डालेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे, नहीं तो क्या होगा कि मसाला जल जाएगा। थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद फिर टमाटर डालेंगे और नमक डालेंगे। देखिए प्याज थोड़ा थोड़ा सॉटे हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। और नमक डालेंगे, नमक चिकन में भी पहले डाले हैं इसलिए नमक उसी हिसाब से डालेंगे। अब इसको हम ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से प्याज और टमाटर गल जाए। देखिए केसर का रंग आ गया है। अब इसको हम गैस बंद कर दिए हैं, पुलाव तैयार है। अब इसमें हम केसर वाला दूध डालेंगे। केवड़ा है, केवड़ा है 2 चम्मच डालेंगे। फूड कलर डालेंगे, आप चाहे तो डालें, नहीं मन हो तो नहीं डालें, लेकिन डाल देने से क्या होता है खूबसूरत लगता है देखने में पुलाव। इसी में हम आप इसको
बिरयानी डालेंगे और घी डालेंगे, ऊपर से इसमें घी डालेंगे थोड़ा, और पहले भी डाल चुके हैं। और ये प्याज जो तल के रखे हैं इसको भी उस पर से डाल देंगे। अब इसको ढक के छोड़ देते हैं दोस्तों, अब चिकन बनेगा फिर इसके बाद सर्व करेंगे। देखिए टमाटर भी थोड़ा थोड़ा गल गया है, प्याज भी गल गया है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन भी आधा घंटा हो गया था रख दिए थे, आप चाहे तो इसको रात भर भी रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन हम इसको आधा घंटा के लिए रखे हैं। अब इसको इसमें मिक्स करके पहले अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, जब ये भुना जाएगा खूब अच्छा से तब इसमें हम शोरबा लगाएंगे। देखिए दोस्तों ये भुना रहा है, पानी भी छोड़ दिया है चिकन, थोड़ी देर और लगेगा इसको भुनने में, पानी सूखने में। अभी थोड़ी देर और इसको ढक के रखते हैं। अब इसमें हरा मिर्चा डाल देंगे, गरम मसाला का पाउडर है उसको डालेंगे। मिला लेंगे दोस्तों, अब ये तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी लगाएंगे, अब इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उतना ही लगाएं, पुलाव के साथ खाना है तो उसमें ग्रेवी थोड़ा सा पतला ही होता है। इसको एक बार और अच्छा से बॉयल होने लगेगा, फिर गैस कम करके 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि तेल अच्छी तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। देखिए दोस्तों चिकन करी तैयार है, अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं, गैस बंद करते हैं। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसको हम बर्तन में सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों पुलाव तैयार है, अब इसको हम बर्तन में सर्व करेंगे। देखिए चावल कितना खिला खिला हुआ है, बिल्कुल अलग अलग। पानी का जो माप बताए हैं आप इसी तरह से डालिएगा तो पुलाव बिल्कुल सही बनेगा। दोस्तों आप मेरी तरह से बनाएं चिकन करी और मटर पुलाव, और बनाएं और खा के बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। दोस्तों चिकन करी और मटर पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू।